नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं और असाइनमेंट कैसे बनाना है और किस प्रकार से सबमिट करना है। तो दोस्तों, आज हम लोग असाइनमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको असाइनमेंट रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। क्योंकि जो लोग अभी जनवरी की कैंडिडेट हैं, वो एडमिशन लिए हैं, या फिर जुलाई में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, यानी इस अभी जो एडमिशन चल रहा है, तो इस बार जो एडमिशन हो रहा है, उसमें एडमिशन लेने वाले कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे जो लाइब्रेरियन की या फिर इग्नू में किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि असाइनमेंट बनाने का प्रोसेस लगभग सेम होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको लाइब्रेरियन की क्लास के साथ साथ इग्नू रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, और साथ में लाइब्रेरियन की जितनी भी वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले ये असाइनमेंट को डाउनलोड कैसे करते हैं, जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में टाइप करना है, या डेस्कटॉप में ignu.ac.in ये टाइप करने के बाद देखिए, आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जो कि इग्नू का ऑफिशियल साइट है। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ देखिए, डाउनलोड में यहाँ पे इतने प्रकार के ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें आप क्वेश्चन पेपर भी इसी ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे असाइनमेंट थर्ड नंबर में दिखाई दे रहा है, असाइनमेंट में मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए, जो भी आपको असाइनमेंट, जो भी क्लास का असाइनमेंट डाउनलोड करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीन में एक एक करके। तो दोस्तों, इस चैनल में आपको BLIS यानी लाइब्रेरियन की पढ़ाई करवाई जाती है, तो मैं आपको लाइब्रेरियन का असाइनमेंट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ, लगभग ये सभी क्लास के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी असाइनमेंट है, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग बैचलर डिग्री में आ गए हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम, इसमें BLIS दिखाई दे रहा है। तो BLIS हम लोग सबसे पहले जुलाई 2019 और 20 को डाउनलोड कर लेते हैं। ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश है, तो हम हिंदी में यहाँ पे डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने हिंदी में क्लिक किया तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आया, मैंने उसे ओके कर दिया। अब देखिए, थोड़ा सा प्रतीक्षा करना होगा। यहाँ से देखिए, असाइनमेंट ये डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और ये PDF में डाउनलोड हो जाती है। और इसमें कंप्लीट देखिए, असाइनमेंट का डेट दिया हुआ है कि जनवरी सेशन वाले 30 सितंबर 2020 तक अपने असाइनमेंट को जमा कर सकते हैं। जुलाई सेशन के कैंडिडेट पर अभी एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे बातें आ रही है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इग्नू ने कहा है कि एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएंगे। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी थी, जिसमें डेट को 10 सितंबर कर दी सॉरी 10 अगस्त कर दिया गया है। तो 10 अगस्त को ये क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम आपके होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अभी से आपको ये मान के चलना है कि एग्ज़ाम होंगे। तो यहाँ से आप असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें एक एक करके देखिए, टोटल जितने भी BLIS 221 से लेके 229 तक का कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल 25 पेज में, और सारे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन नहीं होना कि क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, असाइनमेंट अगर आप बनाते हैं, तो असाइनमेंट बनाने के बाद उसे पिनअप करना पड़ता है। पिनअप आप करते हैं, तो पिनअप के ऊपर क्या होता है, क्वेश्चन लगाने होते हैं, और क्वेश्चन लगाने के बाद एक फ्रंट पेज होती है। फ्रंट पेज में आपको इस फॉर्मेट में लगानी होगी, तो उसके बारे में अभी तुरंत इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट देखने के बाद। तो यहाँ से आप कंप्लीट असाइनमेंट का क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप BLIS 221 का क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है सारा। देखिए, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 4-4 नंबर का एक क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन है सॉरी 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, जिसे आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, यानी 40 नंबर के हैं। तो ये BLIS 221, इसी तरह 222, इस तरह टोटल कम्प्लीट 229 तक दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ये लाइब्रेरियन के लिए प्रोसेस है, ये सारा कंप्लीट प्रोसेस जितने भी इग्नू में पढ़ाई कर रहे हैं कैंडिडेट है सभी के लिए है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से एक एक करके असाइनमेंट में आपको डाउनलोड करके दिखा दिया हूँ। अब चलिए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं कि असाइनमेंट को बनाते कैसे हैं, क्या करना होगा सबसे पहले। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रेगुलर पढ़ाई करके ग्रेजुएट होने के बाद इग्नू में एडमिशन लिए हैं, तो उन्हें ये पता नहीं होगा कि असाइनमेंट का प्रोसेस क्या है। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, आपको असाइनमेंट की सभी जानकारी हो जाएगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल वहाँ पे सभी को रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ से मैं आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखा चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप असाइनमेंट डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी स्टेशनरी शॉप में जाके वहाँ पे A4 साइज के आप वहाँ पे पेज मांग लेंगे, जो कि पेज ए रूलिंग पेज लेना है, ठीक है, लाइन वाली पेज जो होती है A4 साइज की। और उसमें आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर जितने भी वर्ड में लिखे हुए हैं उसे आपको बना लेना है एक एक करके। आप जैसे मान लीजिए कि 2:1 है यहाँ पे, या फिर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में हिस्ट्री में है तो जो भी पेपर 1 है तो उसका आप कंप्लीट एक असाइनमेंट बनेगा, पेपर 2 का अलग बनेगा, पेपर 3 का इस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पे 2:1 पर बात कर लेता हूँ, ठीक है, आप इसी के अनुसार अपने सब्जेक्ट को आप मिला लेंगे। तो देखिए 2:1 में टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में 4 है और शॉर्ट में यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका एक अलग असाइनमेंट बनेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको रूलिंग पेज में आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद आप आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो आप क्वेश्चन लिख लेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन लिख के आप एक लाइन छोड़ने के बाद आप उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं akumar.ak576.ak@gmail.com, जो कि मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दिया हुआ है। और दोस्तों मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए मैं आपको असाइनमेंट का एक दिखा देता हूँ फॉर्मेट। देखिए दोस्तों यहाँ से आप असाइनमेंट का एक फॉर्मेट देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सॉल्व किया गया, ठीक है। तो बस कुछ भी आपको इसमें अलग नहीं करना है, बस आपको एक डाउनलोड A4 साइज पेज लेना है और उसमें आपको आंसर को दोनों साइड में आपको लिखना है। लिखने के बाद सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रोसेस कंप्लीट बता दे रहा हूँ। असाइनमेंट लिखने के बाद दोस्तों आप उसे एक जगह अरेंज कर लेंगे, एक पेपर अलग से इंडिविजुअल, ठीक है, और सेकंड पेपर बनाएंगे तो उसका सेम प्रोसेस होगा कि उसी तरह आपको रूलिंग पेज में A4 के साइज के पेज में आंसर लिखना है। अब उसके बाद दोस्तों देखिए कवर पेज होता है जिसे हम लोग फ्रंट पेज भी बोलते हैं, तो कवर पेज में आपको इस प्रकार की फॉर्मेट एक बना लेनी है खुद से, या फिर जो भी आपके स्टडी सेंटर होंगे उसके बाहर जो स्टेशनरी के शॉप है आपको मैक्सिमम वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, तो उसे आप लेके जोरेक्स करवा के आप टोटल एक एक पेज में एक एक पेपर में आपको लगाने होंगे। तो देखिए ये रांची जॉन का ये फ्रंट पेज दिया हुआ है, लेकिन अगर आप रांची जॉन से हैं तो आप इसे भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर आप आउट ऑफ रांची हैं तो आप उसे इसे आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये इग्नू प्रोवाइड करवाती है, ऐसा नहीं है। अब देखिए इसमें आपको प्रोग्राम कोड भरना होगा, इनरोलमेंट नंबर भरना होगा, इनरोलमेंट नंबर आप एडमिशन अगर न्यू लिए हैं तो आपके एडमिशन स्लिप में भी इनरोलमेंट नंबर होती है और आपके आइडेंटिटी कार्ड में होती है। दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए मैं आपको इसके बाद का वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंप्लीट भर लेंगे, भरने के बाद इस फ्रंट पेज को आपको सबसे पहले लगाना है। तो यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे क्या करना है। सबसे पहला दोस्तों आपको असाइनमेंट आपने लिख लिया उसे आप पिनअप करने से पहले उसके ऊपर जो क्वेश्चन में अभी आपको दिखाया था असाइनमेंट का, तो जिसके एक पेपर है यानी BLIS 2:1 है, तो वो क्वेश्चन को आपको प्रिंट कर लेना है, जो कि एक पेज में होंगे, एक या दो पेज में होते हैं। उसे क्वेश्चन को प्रिंट करने के बाद आपके लिखे हुए असाइनमेंट के ऊपर फ्रंट पेज सबसे ऊपर में आपको उसे पिनअप कर देना है, और उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये फ्रंट पेज जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है उसे आपको पिनअप कर देना है। ये कंप्लीट करने के बाद आपका एक पेपर का असाइनमेंट तैयार हो जाएगा, और सेम यही प्रोसेस जितने भी आपके पेपर हैं सभी में करना है। उसके बाद दोस्तों आप असाइनमेंट मान लीजिए कंप्लीट लिख लिए, तो अभी तो इग्नू के द्वारा ऑनलाइन भी सबमिशन हो रहा है और आपके स्टडी सेंटर में या रीजनल सेंटर में भी असाइनमेंट ऑफलाइन मोड में भी जमा हो रहा है। तो दोस्तों आपको जो भी सुविधा हो आप अपने सुविधा के अनुसार उसे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है भविष्य में ऑफलाइन सिस्टम ही जारी रहेगा और ऑनलाइन सिस्टम बंद हो सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण ऐसी फर्स्ट बार इस प्रकार की सुविधा दी गई है कि लोग ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये चल रहा है, अभी तक बंद होने की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आपके सुविधा के अनुसार आप जमा कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि देखिए किसी किसी स्टडी सेंटर में क्या रूल होता है कि वहाँ पे आपको एक इन्वाइलप जिसमें आपका सेम एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए, और जितने पेपर हैं उतने इन्वाइलप में 10 का टिकट लगा हुआ वो स्टडी सेंटर जमा लेते हैं। वो उसका कारण क्या होता है कि आपके असाइनमेंट चेक होने के बाद वो वापस आपके लिखे हुए एड्रेस में डिलीवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये सभी स्टडी सेंटर से नहीं मांगे जा रहे हैं, तो आप अपने जो भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे इन्वाइलप देना होगा या नहीं देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए रांची जोन में मांगे जाते हैं क्योंकि मुझे वहाँ के बारे में पता है, और आपके जितने भी रीजनल सेंटर हैं वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, वेबसाइट पे
कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, और अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से रीजनल सेंटर के हैं जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ की नहीं मिल रही है। तो यहाँ से आप असाइनमेंट को चेक कर सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ, आपको अगर किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें कंटिन्यू लाइब्रेरियन की क्लास चल रही है, वो वीडियो मैं कल से अपलोड करता रहूँगा। आज मैं वेट कर रहा था कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है जुलाई सेशन के कैंडिडेट के लिए, तो वहाँ पर डेट फिर से डेट मिल गई है, 10 अगस्त की डेट, 10 अगस्त को सुनवाई होगी। लेकिन दोस्तों आपको ये सब चक्कर में अभी फिलहाल नहीं पड़ना है, अगर आप पढ़ाई करें तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें, और कुछ भी आपको समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की तैयारी करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।